तबारक तआला के अजीम मौलिया में से हैं और ये अताए रसूल है। ये नबी अलैहिस्सलाम की अता है हिंद वालों को कि नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद का नाम गयासुद्दीन हसन था, जो एक रईस आदमी थे और नेक इंसान थे। उनका इंतकाल जल्द हो गया था, आपका बचपन था, तो बचपन में उनके वालिद ने विरासत में बाग वगैरह छोड़ा था, तो ये बागबानी करते थे, उसी में लगे हुए थे। तो एक मरतबा उस ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बाग में तशरीफ ले आए, जो मज़ज़ूब बुज़ुर्ग थे। तो हज़रत गरीब नवाज अभी 14 साल से कम ही के थे, तो उन्होंने सल्लाह के नेक बंदे को देखा तो इनके दिल में उनका जज्बा ताज़ीम जागा और उन्होंने उनको इज़्ज़त के साथ बिठाया और उनके सामने अपने बाग के फल पेश किए। हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये उनका अंदाज़ बहुत पसंद आया, तो बाज़ रिवायतों के मुताबिक उन्होंने अपनी जेब से खली का एक टुकड़ा निकाला और उनसे कहा कि खा लो। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने देखा कि ये अल्लाह के वली है, ये मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, तो उन्होंने वो खा ली। तो आप फरमाते हैं कि उसको खाने के बाद मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हो गई और मेरे दिल में जोश पैदा हुआ कि मैं अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करूं। गो कि आप मादरजात वली थे, आप माँ के पेट से ही वली हैं। आपकी वालदा को उस वक्त बशारतें दी जाने लगी थी, मगर बहरहाल वो कहते हैं ना कि हीरा उसको भी तराशना पड़ता है, हीरा तो होता ही है मगर वो जौहरी के हाथ में तराशा जाता है आकर। तो हीरे तो थे आप, वली तो थे आप, लेकिन अभी इसके तराशे जाने का अमल बाकी था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी वक्त उलूम दीनिया हासिल करना शुरू कर दिए, अपना बाग वगैरह बेच कर आप समरकंद तशरीफ ले गए। समरकंद के मशहूर उस्ताद शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म दीन हासिल किया और उनसे फ़िका पढ़ी। फिर बुखारा तशरीफ़ ले गए, बुखारा के शेख उस्तामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस पढ़ा। आप ज़ाहिरी उलूम व फ़नून में बहुत माहिर हो गए। उसके बाद फिर आपके दिल ने आपको मशवरा दिया कि आप किसी अहलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर दिल की सफाई करवाई जाए। तो बिलाखिर आप हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीम औलियाल्लाह में से हैं और इनकी बड़ी अजीम शान है, बड़ी इनकी करामात हैं और इनके हाथ पे बड़े लोग मुसलमान हुए। उन्होंने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अपनी बारगाह में कबूल किया और उन्हें बैत करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया। और पहली मरतबा बैत करने के बाद दो उंगलियों के दरमियान 18,000 आलम की सैर करवा दी। ये उनकी शान थी। तो बहरहाल आप फरमाते हैं कि मैं अपने शेख की खिदमत में तकरीबन 20 साल रहा हूं और 20 साल उनकी खिदमत में रहकर उनका बिस्तर उठाना, तकिया उठाना, उनके जूते उठाना, ये मेरा काम था। और शेख की मौजूदगी में कभी पांव फिरा के नहीं सोया मैं। शेख ने जो हुक्म दिया मैंने उस पर अमल किया। शेख ने अपने मुरीद की कामिल तरबियत फरमाई, कामिल शेख थे, कामिल तरबियत फरमाई। और फिर तरबियत फरमाने के बाद उन्हें हज के लिए मक्का मौजमा ले गए और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। आपके शेख ने फरमाया कि सलाम अर्ज करो, तो उन्होंने सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम या हिंदुल वली। इस तरह के अल्फाज है कि ए वालेकुम सलाम हिंदुस्तान के वली। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपको खसूसी तौर पर हिंदुस्तान जाने का हुक्म मिला। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर से इजाज़त लेकर हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। और हिंदुस्तान में अगरचे के आपसे पहले बहुत सारे मशाइख आ चुके थे, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर बुजुर्ग भी आ चुके थे, सैयदना मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ ला चुके थे और उनके साथ दीगर उलमा भी आ चुके थे, मगर चूँकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और उसके मुख्तलिफ इलाकों में उस उलमा का काम था, आपने
हिंदुस्तान का सख्त तरीन इलाका चुना जहाँ के लोग बहुत सख्त थे, यानी अजमेर के, और वो हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा था उस वक्त, पृथ्वीराज की हुकूमत थी वहाँ पर। आपने उस जगह को अपना मस्कन बनाया। बात बहुत तफसीली है, गुफ्तगू बहुत तफसीली है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हिंदुस्तान आकर आप सबसे पहले लाहौर आए, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ली और उनसे बहुत सारे मामला तय किए। उनकी इजाज़त पे फिर 6 महीने चिल्ला करने के बाद आगे जाने का हुक्म मिला और उन्होंने नवाजा, और जो कुछ उन्होंने अता किया और जो अपने पीर से लिया था उसको लेकर चले। तो आपकी रुकावट के लिए पृथ्वीराज ने जगह जगह पहरे लगाए हुए थे। उसके काहिनों ने, नजूमियों ने बता दिया था कि पृथ्वीराज तुम्हारी हुकूमत के खत्म होने का वक्त आ गया, इस चेहरे का आदमी आएगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा। तो उसने हिंदुस्तान के तमाम रास्तों पर अपने फौज के लोग तस्वीरें देके बिठा दिए थे कि इस तरह का फकीर आए तो उसको आने मत देना हिंदुस्तान में, मगर जिसको अल्लाह दाखिल फरमाए उसको कौन रोकेगा। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां पर पहुंच गए। फिर वहां पर चूंकि ये जादू का बहुत मामला था, खुद पृथ्वीराज की माँ भी बड़ी जादूगरनी थी, उसने भी बड़े जादू किए थे। अना सागर ये तालाब था जिस पे दो देव मुकर्रर थे, एक का नाम अना था, एक का नाम सागर था। ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों को भी तह तहक फरमाया, जो किसी मुसलमान को वहां से पानी नहीं लेने देते थे। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात आपके पेश आए जिसमें आपने अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां दिखाई, बड़े बड़े जादूगरों को आपने शिकस्त दी, बड़े बड़े मामलात को दुरुस्त कर दिया। बिलाखिर पृथ्वीराज ने जब आपको तंग किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी जबान से फरमा दिया कि मैंने पृथ्वी को गिरफ्तार करके शहाबुद्दीन के हाथ में दे दिया। और शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान पर हमला कर चुके थे मगर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन जब गरीब नवाज ने दुआ दे दी तो अब शहाबुद्दीन जब आए तो उन्होंने फिर पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया। पृथ्वीराज का सारा राज उसके हाथ से चला गया। तो ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अजीब शान थी कि फकीरों के रूप में रहते थे मगर दिलों पर हुकूमत करते थे। आज हमारे खुतबा की तरह उनकी तकरीरों में कोई जोश नहीं था बल्कि वो अपने अमल से तबलीग फरमाया करते थे। जो जबान की तकरीर होती है उसका असर जिस्म पर होता है, कानों तक रहता है, लेकिन जो दिल से तबलीग की जाती है, जो अमल से तबलीग की जाती है, वो सामने वाले के दिल पे असर करती है। आपने तबलीग का वो निज़ाम बनाया कि आपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ खुलफा बनाए और मुख्तलिफ खुलफा बनाकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी ड्यूटियाँ मुकर्रर फरमाई। जैसा कि दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह को आपने मुकर्रर फरमाया, हत्ता कि दिल्ली का बादशाह उनका मुरीद हुआ। इसी तरह दीगर इलाकों में आपने अपने औलिया इकराम को तैयार करके भेजा। कहते हैं कि आपकी हयात तैयबा में बाज रिवायत के मुताबिक 90,000 लोग मुसलमान हो चुके थे, इस कदर आपका काम चला। बहरहाल मुख्तसर ये कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के महबूबान में से है, अल्लाह ताला के प्यारों में से हैं, जिनकी करामतें आज तक साजिर हो रही हैं। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू और दीगर मज़हब के लोग भी आपकी अकीदत का दम भरते हैं। बल्कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया, चंद साल पहले मुझे हिंदुस्तान जाना हुआ तो ख़ास तौर पे मैं हजरत ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अजमेर शरीफ में हाजिर हुआ तो कलकत्ता से मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का एक बहुत अमीर और कबीर शख्स ये टाटा कंपनी वाला है और कहा कि इनके बहुत बिजनेस है। लेकिन उन्होंने जब अपनी न्यू बस बनाई, बेहतरीन बस उन्होंने जब तैयार की तो तैयार करने के बाद सबसे पहले उस बस को गरीब नवाज के मज़ार पे हाजिरी दी। वहाँ पे हाजिरी देने के बाद बस रोड पे लेकर आया है वो शख्स। तो ऐसी अकीदत, ऐसा एहतराम रखते हैं आपसे
गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से, आपकी बारगाह से लोगों को आज भी मिल रहा है, आज भी आपका खैर जारी व सारी है, और क्यों ना जारी व सारी हो कि आप अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाता था। हजरत ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी पे लिखा आ गया कि हबीब को हबीब से मिला, हबीब उन माता फी हुब्बिल्लाह, कि ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। ये आपकी शान थी, ये आपका मुकाम था। अल्लाह ताला से मैं दुआ गूं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके फ्यूज व बरकात से हमें मुतमत्ते फरमाए और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये उर्स का सिलसिला भी जारी है, इंशाअल्लाह नाज शरीफ भी पढ़ी जाएगी, मनकद भी पढ़ी जाएगी, सलातुस्सलाम भी होगा। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप महफिल